सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है YouTube चैनल ई ट्राइबल लाइफ में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज पावन शिवरात्रि के अवसर पर आज हम लोग जा रहे हैं बाबा गुप्तेश्वर धाम उड़ीसा, जो कि कोरापुट जिला में आता है। और देख सकते हैं दोस्तों बस्तर से भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग गुप्तेश्वर धाम बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बदलिएगा वीडियो के साथ आगे की झलक देखने के लिए। दोस्तों गुप्तेश्वर धाम लगभग जगदलपुर से 50 या 60 किलोमीटर दूर ऐसा होता होगा। बाकी उधर उड़ीसा क्षेत्र से जाएंगे तो वही 80 या 100 किलोमीटर दूर के आसपास होगा। और यहाँ तिरिया पुलचा से बहुत ही नज़दीक है, आप बाइक में भी और फोर व्हीलर में भी आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है इस पुलचा क्षेत्र में भी। यहाँ पे भी एक प्रकार से मेला लगा हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे भी सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भोजनालय का भी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था। दोस्तों महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत सारे लोग उपवास भी रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की माताएं बहनें कोई दूध बेच रही हैं और कोई तो दही बेच रही हैं, और कई लस्सी का भी व्यवस्था है, नारियल पानी का भी व्यवस्था है। देख लीजिएगा यहाँ पे फल फूल का सबका व्यवस्था है दोस्तों इस ग्राम पुलचा क्षेत्र में। और यहाँ पे भी काफ़ी रौनक है शिवरात्रि को लेकर। दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं यह नुकीली नुकीली पत्थर से चल रहे हैं लोग, और पत्थर के ऊपर ब्रिज बना है दोस्तों बांस का। इसी बांस का ब्रिज से हमको गुप्तेश्वर जाना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही धारदार नुकीली नुकीली पत्थर हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ की समिति के द्वारा यह ब्रिज बनाया गया है ऐसा अनुमान हो रहा है। और इस पुलचा की युवा समिति इस ब्रिज के आसपास लगे हुए हैं कि ताकि लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और लोग आसानी से निकल जाए, ऐसा व्यवस्था ग्राम युवा समिति पुलचा के द्वारा किया जा रहा है। और बस्तर और उड़ीसा के जवान भी बराबर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लोगों को इस ब्रिज से आगे निकालने के लिए, ताकि किसी प्रकार का कोई जाम ना हो और लोग ना फंसे। दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है यह गुप्तेश्वर उड़ीसा धाम का यह नज़ारा है। इसी ब्रिज से हम लोग उड़ीसा पहुँचेंगे अभी कुछ ही देर में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बाकी जा भी रहे हैं। दोस्तों बताते हैं कि यहाँ सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता लग जाता है, यानी कि लंबी लाइन भक्त लगाते हैं। और हमें तो 1-2 घंटा लगना ही है समझो, क्योंकि अभी हम लोग 10 बजे जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों आगे की झलक देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो के साथ।
दोस्तों हम लोग बांस का ब्रिज को पार करके अभी नीचे यानी कि जंगल की ओर जा रहे हैं। मतलब गुप्तेश्वर जाने का रास्ता जंगल से लगा हुआ है ऐसा बता रहे हैं। अभी आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा संख्या में माताएं दही बेच रही हैं और कहीं तो शरबत भी बेच रहे हैं, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे भक्त उपवास भी रहते हैं। दोस्तों देख लीजिए, माताएं बहनें बड़े उत्साह के साथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके लौट रही हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग छोटे बच्चे को भी लाए हैं ताकि बाबा का दर्शन करा सकें आज के दिन। और देख लीजिएगा, दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के आसपास पहुंचने वाले हैं। कुछ ही दूर में मंदिर है ऐसा बता रहे हैं और आवाज़ भी आ रहा है। देख लीजिएगा यहाँ पे माताएं, नारियल, और दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों का। और इन्हीं से पता चल रहा है दोस्तों कि हमको 2 घंटा तो लगना ही है। दोस्तों ये पहला भाग है, सेकेंड भाग भी जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।